भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और विश्व चैंपियन भारोत्तोलक मीराबाई चानू 25 सितंबर को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करेंगे। खेल मंत्रालय ने गुरुवार को इस पर अंतिम मुहर लगा दी। अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 20 खिलाड़ियों में भाला फेंक स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा शामिल है। बुधवार को तीरंदाजी कोच जीवन ज्योत सिंह का नाम पूर्व में अनुशासनहीनता के एक मामले के कारण द्रोणाचार्य पुरस्कारों की सूची से हटा दिया गया था। कोहली पिछले 3 साल से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्हें इससे पहले 2016 और 2017 में भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। राष्ट्रपति उसी दिन द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी पदक और प्रशस्ति पत्र के अलावा 7 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन द्रोणाचार्य तथा ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को लघु प्रतिमाएं, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय मुक्केबाजी कोच सीए कुटुप्पा को उनकी कोचिंग काबिलियत के आधार पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा और वह इस बात से हैरान है कि उन्हें महज 39 साल की उम्र में इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले विजेंद्र सिंह की उपलब्धि में कुटुप्पा की भूमिका अहम थी। कुटुप्पा ने कहा, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि यह सम्मान मुझे महज 39 साल की उम्र में मिल जाएगा। 2009 में विजू ने मुझे कहा था कि कोच सर, आप आवेदन तो भरो, मैं आपका समर्थन करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि इस बारे में मैं कैसे सोच सकता हूं। कुटुप्पा ने विजेंद्र सिंह ही नहीं बल्कि सुरंजय सिंह और शिव थापा जैसे मुक्केबाजों की प्रतिभा को भी निखारा है। अभिषेक वर्मा और रजत चौहान सहित अर्जुन पुरस्कार विजेता तीरंदाजों ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके कोच जीवन ज्योत सिंह तेजा को द्रोणाचार्य सम्मान से महरूम नहीं किया जाए।